राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके कमेंट के अनुसार कान्हा जी की छवि लेकर आई हूँ। ये मैंने प्लास्टिक कैनवास में बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसे दुसूती कपड़े में भी बना सकते हैं, इसे फ्रेम करवा कर रख सकते हैं। ये बनाने के लिए हमें दो मैटी की जरूरत पड़ेगी। एक मैटी पूरी लानी है, दूसरी मैटी 16 यानी 16 रो को काउंट करके कट कर लेना है। वीडियो की शुरुआत में भी मैंने इसे कट करते हुए दिखाया है और लास्ट में भी जब कान्हा जी का मुकुट बनता है तब भी ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से मैंने इसमें ज्वाइन किया है। ये छवि फ्रेम करवा बहुत ही सुंदर लगने वाली है, तो आप इसे बनाइए। और इसे बनाते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो में पूरा दर्शाने की कोशिश की है। इसमें मैंने मल्टी कलर की ऊन लगाई हुई है। ऊन के साथ में चमकीला धागा भी हमें चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने कान्हा जी की जो स्किन के लिए ऊन यूज किया है उसकी जगह पर आप जिस कलर का चाहें उस कलर का ऊन यूज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में मैंने येलो कलर लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी पसंद की ऊन लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कान्हा जी के नाम पर एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।